हेलो फ्रेंड्स, मुकुश किचन में आपका स्वागत है। सूप तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्वीट कॉर्न सूप की रेसिपी। इसे आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और इसका स्वाद भी बिल्कुल आपको बाजार जैसा लगेगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सूप बनाने के लिए मैंने 1 कप कॉर्न लिए हैं। जो फ्रोजन वाले कॉर्न होते हैं वही मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अब इसमें से आधे कॉर्न को हम एक ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और जो बाकी है उनको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बस इतना ही पतला हमको ये चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सूप में डालने के लिए कुछ सब्जियाँ ली हैं। एक बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, 3-4 कलियाँ मैंने लहसुन के लिए जिन्हें बारीक काट के रखा है, थोड़ा सा अदरक लिया है उसे भी बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्ची हैं उन्हें भी बारीक काट लिया है और 1 प्याज लिया है उसे भी बारीक काट लिया है, थोड़ी सी बीन्स ली है उसको भी बारीक बारीक काट के रखा है और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया रखा है उसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सब्जियाँ आप अपने हिसाब से और कुछ भी ले सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर डाल के गर्म कर लेंगे। अब बटर हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल के उसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अब लहसुन हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है, इसमें अब बारीक कटा हुआ अदरक डाल के भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस उन्हें इतना पकाना है जो इसका कच्चापन निकल जाए। अब लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है, इसमें अब बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ प्याज डाल के भी फ्राई कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्ची भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब इसमें बारीक कटी हुई गाजर भी डाल लेंगे और बारीक कटी हुई बीन्स डाल के भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब सब्जियों को पकते हुए लगभग 1 मिनट के करीब हुआ है और सब्जियां हमारी हल्की सी नरम हो गई हैं। अब जो हमने कॉर्न अलग से रखे थे उनको भी इसमें डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और कॉर्न डाल के भी इसे हम लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे जिससे कॉर्न हमारा नरम हो जाए। अब इन सबको पकते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट के करीब हुआ है और सब्जियां हमारी अच्छे से नरम हो गई हैं। इसमें आप 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर लेंगे। और जो कॉर्न हमने पीस के रखे थे उसको भी इसमें मिला लेंगे। कॉर्न पीस के मिलाने से एक तो इसका कलर बहुत बढ़िया हो जाता है और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। और ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो व्हाइट पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे। सूप को बनते हुए लगभग 5 मिनट के करीब हुआ है और ये देखिए, सब्जियां भी हमारी आपस में अच्छे से मिल गई हैं। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि कॉर्न हमारे हल्के से मीठे होते हैं और चीनी ऐड करने से हमारी जो सूप है उसमें हल्की सी मिठास बनी रहती है। सूप का फ्लेवर एनहेंस करने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून व्हाइट सिरका भी ऐड करेंगे। बस इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के घोल लेंगे। पानी हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है और उसको अच्छे से घोलना है जिससे इसमें लम्स ना बने। कॉर्नफ्लावर मैंने घोल लिया है। अब इसे सूप में धीरे धीरे करके मिलाएंगे, इकट्ठे नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारा सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इस सूप को 2 मिनट तक और उबालेंगे।
स्वीट कॉर्न सूप जो होता है वो हल्का सा क्रीमी होता है, इसके लिए हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम मिला लेंगे। हम इसे घर में बना रहे हैं तो आप इसमें क्रीम की जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट तक और उबाल लेंगे। ये देखिए अब हमारा सूप बनके रेडी है। देखिए कितना अच्छा हमारा सूप बनके तैयार हुआ है। अब गैस बंद कर लेंगे और सूप के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे। सूप बनके तैयार है, अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया स्वीट कॉर्न सूप बनके तैयार हुआ है, लग रहा है ना बाजार जैसा। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। साथ ही अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।